समटाइम्स बाज़ोकात इट इज़ हार्डर टू रूल वाइजली, अक्लमंदी से हुकूमत करना मुश्किल होता है, देन टू विन बैटल्स जंगें लड़ने से, बाज़ोकात समझदारी से हुक्मरानी करना जंगें लड़ने से मुश्किल होता है, बट अकबर वॉज अ गुड रूलर एज़ वेल एज़ अ गुड सोल्जर, लेकिन अकबर अच्छा सिपाही होने के साथ साथ अच्छा हुक्मरान भी था, रूलर हुक्मरान। ही वॉज फेयर टू एवरी वन, वो हर किसी के साथ अच्छा था या ईमानदार था या मुनसिफ था, एंड ही टोल्ड हिज ऑफिसर्स टू बी फेयर टू, और उसने अपने अफसरान को भी मुनसिफ रहने का कहता था, और वो अपने अफसरान को भी मुनसिफ रहने का कहता था। ही बिहेव्ड इन द सेम वे टू एवरी वन, वो हर किसी से एक ही तरह से पेश आता था, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, हिंदुओं और मुसलमानों के साथ, रिच एंड पुअर, अमीरों और गरीबों के साथ, वो हिंदुओं मुसलमानों अमीरों और गरीबों के साथ एक जैसा रवैया रखता था। व्हेन ही वॉज एट वॉर, जब वो जंग पर था, ही हैड बीन स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, तो वो बहुत मजबूत और बहादुर रहा था। नाउ दैट वॉर हैड एंडेड, अब वो जंग ख़त्म हो चुकी थी, ही वॉज काइंड, वो बहुत मेहरबान एंड जेंटल और नरम था, वो बहुत मेहरबान और नरम दिल था। पीपल हु हैड बीन हिज एनिमीज़, वो लोग जो उसके दुश्मन रहे थे, बिकेम हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त बन गए। यहाँ तक आपने लर्न करना है, ट्रांसलेशन और डिक्टेशन के साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे। फाउट लड़ी ब्रेवली बहादुरी से, स्टेट्स रियासतें, सीम्ड दिखाई दिया, डेंजरस ख़तरनाक, रिवार्ड्स इनामात, रूल्ड हुक्मरानी की, ऑफिसर्स अफसरान, बिहेव्ड पेश आया, फेयर मुनसिफ। इसके साथ कंपोजिशन में आज हमने स्टोरी करनी है ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। वंस देयर वॉज अ डॉग, एक दफ़ा का जिक्र है, एक कुत्ता था। ही फाउंड अ पीस ऑफ मीट, उसे गोश्त का टुकड़ा मिला। ही वॉन्टेड टू ईट इट ऑल अलोन, वो इसे अकेला खाना चाहता था। ही रेन टू द फॉरेस्ट, वो जंगल की तरफ दौड़ा। ऑन द वे, रास्ते में, देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, दरिया के ऊपर एक पुल था। व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग इट, जब वो इसको पार कर रहा था, ही सा हिज ऑन शेडो इन वाटर, उसने पानी में अपना साया दिखाई दिया। ही थॉट, उसने सोचा, इट अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ मीट, उसने सोचा ये कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास गोश्त का टुकड़ा है। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुँह में पानी भराया। ही वॉन्टेड टू स्नैच हिज पीस ऑफ मीट, उसने उसका गोश्त का टुकड़ा छीनना चाहा, स्नैच छीनना। ही ओपन्ड हिज माउथ टू गेट इट, उसने उसे हासिल करने के लिए अपना मुँह खोला। हिज ऑन पीस ऑफ मीट फेल इन टू वाटर, उसका अपना गोश्त का टुकड़ा पानी में गिर गया। नाउ ही हैड नथिंग टू ईट, अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इसका मोरल होगा ग्रीड इज कर्स, लालच एक लानत है। आपने बच्चे एक चीज़ का ख्याल रखना है, स्टोरी को आप जब भी लिखेंगे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे और पास्ट में लिखेंगे। स्टोरी कहानी जो है हमेशा माजी में लिखी जाती है, मोरल लिखना नहीं भूलेंगे, और ये आपने होमवर्क में भी राइट करनी है, इसे लर्न भी करेंगे आप। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।